सेना भारत की सीमाओं की रक्षा करने के साथ ही जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में लोगों के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील है। सीमावर्ती समुदायों की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय सेना ने पल्लनवाला के सीमावर्ती गांवों में 15 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। हालांकि इस कार्यक्रम में सभी के लिए प्रवेश खुला था, लेकिन विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस कार्यक्रम में ध्यान दिया गया। इस कार्यक्रम में महिला छात्रों को खतरनाक परिस्थितियों में स्वयं की रक्षा करने के लिए सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर LOC के आखिरी गांवों में भी बच्चों ने इस प्रशिक्षण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे स्कूल में ये कैंप ऑर्गेनाइज किया और हमें डिफेंस करने के लिए सिखाया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्होंने जो हमें डिफेंस सिखाया, आगे जाके वो डिफेंस मैं अपने काम में लाऊंगी ताकि मैं अपने और अपने परिवार की रक्षा खुद कर सकूँ। इंडियन आर्मी ने हमें खुद पे इंडिपेंडेंट होना सिखाया है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं यही कहूँगी, उनसे अनुरोध करती हूँ कि हमारे स्कूल में और हमारे गांव में वो ऐसे ही प्रोग्राम्स और करते रहें ताकि हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिले। मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे स्कूल में कैंप ऑर्गेनाइज किया और हमें सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखाया, जिससे हम आने वाले टाइम में अपनी फैमिली और खुद की रक्षा कर सकें। हमें भारतीय सेना के द्वारा हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए जूडो, कराटे ऐसी टेक्निक सिखाई जा रही है जिससे हमारे को हमारे सेल्फ डिफेंस का पता लगे। हम जो ये LOC के मतलब शरदक के पास रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे हमारे पास ये उपलब्धि नहीं है कि हम किसी क्लासेस में जाके ये सब कुछ सीखे, तो इसलिए हमारे को जम्मू जाना पड़ता है, जिसके लिए हमारे को किराया भी देना पड़ता है और जो वहाँ पे क्लासेस देती है उसके पैसे देने पड़ते हैं। हमारे पास इतना हमारे पास ना टाइम होता है, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे को डेली स्कूल जाना पड़ता है, इसलिए हमारे पास ये उपलब्धि नहीं है कि हम ये डेली जाके सीखे और हमारे को इसके बारे में इतनी जानकारी भी नहीं थी। तो जो हमारी भारतीय सेना उसके द्वारा हमारे को ये उपलब्धि मिली है जिसे हम ये कराटे, जूडो ये सब कुछ सीख सके। जैसे हमारे को सर ने काफी चीजें सिखाई है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए और हम भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे को ये सब चीजें सिखाई है जो हमें पूरी हमारी जिंदगी याद रहेगी, जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं किसी भी चीज से। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को व्यवहारिक आत्मरक्षा तकनीक सिखाना, शारीरिक फिटनेस में सुधार करना और आत्मविश्वास बढ़ाना था। भारतीय सेना के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने सत्रों का नेतृत्व किया जिससे व्यापक और व्यक्तिगत निर्देश सुनिश्चित किए गए। आज यहाँ पे हमारी जितनी भी एडजॉइनिंग पंचायतें हैं प्लावाला के आगे पीछे वाली सारी पंचायतें, जैसे पांच सूत हो गया, प्लावाला अपर हो गया, लोअर हो गया, भगवान चक हो गया, पहाड़ी वाला हो गया, प्लातन हो गया, यहाँ पे इस स्कूल में इंडियन आर्मी की तरफ से 15 दिन का सेल्फ डिफेंस का जो कैंप था वो चल रहा था। तो हर जगह से जो एडजॉइनिंग पंचायत के बच्चे थे वो आ रहे थे, सभी बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये चीजें जो हैं वो बहुत ही जरूरी हैं बच्चों की, खास करके सेल्फ डिफेंस की। इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से बच्चों को अलग अलग तरीके से उनको कराटे सिखाए गए, बॉक्सिंग सिखाई गई और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी जो आपकी जितनी भी होती है सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड सारी सिखाई गई। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम के थ्रू इंडियन आर्मी का तहे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि इंडियन आर्मी सरहद पे हमेशा हमारे लोगों की सेवा करने के लिए तैयार रहती है। अगर इंडियन आर्मी है तो हम लोग सुरक्षित हैं, अगर आर्मी नहीं होगी तो हम लोग सुरक्षित नहीं होंगे। उसके बावजूद भी सरहद पे हमारे लोगों की सेवा करने के बावजूद भी यहाँ लास्ट बॉर्डर एरिया में हमारे जो बच्चे हैं ये सारी जो स्पेशल ये एक्टिविटीज आती है स्पेशल एक्टिविटीज में, तो वो बच्चा हमारे बच्चे वंचित रह जाते हैं, लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी की तरफ से जितनी मदद हो सके वो हमेशा करने के लिए तैयार रहती है। आज बच्चे मैंने बच्चों को जितनी भी सारी एक्टिविटीज थी वो करते देखा और बच्चे इतने एक्साइटेड थे, मतलब वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली और सोशली हर तरीके से उनका जो माइंड है वो डेवलप हो रहा है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज जो है हमें बच्चों में लानी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए मैं फिर से इंडियन आर्मी का धन्यवाद करना चाहती हूँ।